दोस्तों आईपीएल के 13वें सीजन का आज तीसरा मुकाबला दुबई में विराट कोहली के कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का सामना डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। आज के मैच में डेविड वार्नर ने टॉस जीता और विराट कोहली को पहले बैटिंग करने की चुनौती दी, तो अपने पहले ही मैच में टॉस गंवाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने वार्नर की चुनौती को स्वीकार करते हुए शानदार शुरुआत की। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच और पहली बार आईपीएल में खेल रहे युवा खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल ने हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। खासकर युवा भारतीय खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल तो बेखौफ बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए मात्र 42 गेंदों में ही 56 रन ठोक दिए और उनके रहते हैदराबाद विकेट के लिए तरस गई थी। फिर 10 ओवर के बाद आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद को विकेट हासिल हुआ। विजय शंकर ने खतरनाक दिख रहे देवदत्त पडिक्कल को बोर्ड किया और 42 गेंदों पर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी इस पारी में 8 चौके लगाए हैं, लेकिन जाने से पहले अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिला चुके थे। हालांकि दूसरी तरफ पहली बार आरसीबी की तरफ से खेल रहे एरन फिंच थोड़े संघर्ष करते रहे और देवदूत के जाने के बाद अगली ही गेंद में आउट हो गए। फिंच ने 27 गेंदों में 29 रन बनाए। एक के बाद एक दो झटकों से आरसीबी दबाव में आ गई, लेकिन क्रीज पर दो भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली और एबी डिविलियर्स आरसीबी की पारी को गति देने के लिए आ गए थे। 6 महीने बाद कप्तान कोहली को मैदान में देखकर फैंस भी काफी खुश थे और उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोहली टीम की रन गति को बढ़ाने के चक्कर में कैच दे बैठे और 13 गेंदों में मात्र 14 रन ही बना पाए। कोहली के जाने के बाद एबी डिविलियर्स ने मोर्चा संभाल लिया और मैदान पर चौके छक्के की बारिश कर दी। हैदराबाद के किसी भी गेंदबाज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि डिविलियर्स को गेंद डाले कहां पर। 19वां ओवर तो काफी महंगा रहा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। संदीप शर्मा ने इस ओवर में 14 रन दिए। डिविलियर्स ने तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाए और आखिरी के ओवर में आरसीबी को ऐसे ही शॉट्स की जरूरत थी जो डिविलियर्स बखूबी जानते थे, लेकिन आखिरी ओवर करने आए हैदराबाद के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार के ओवर की तीसरी गेंद पर डिविलियर्स रन आउट हो गए। उन्होंने 30 गेंदों पर 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और आरसीबी को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिए। आरसीबी ने 20 ओवर में 163 रन बनाए। तो लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी में से एक डेविड वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो ने आते ही रन बनाने शुरू कर दिए। एक छोर से डेविड वार्नर आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी ओर से ब्रेस्टो ने भी हाथ खोलना शुरू कर दिया, मगर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हैदराबाद और वार्नर बदकिस्मत रहे। उमेश यादव की गेंद को बेरेस्टो ने सीधा हिट किया जो गेंदबाज के हाथ को छूती हुई स्टंप पर लग गई। उस समय वार्नर दूसरे छोर पर क्रीज से बाहर थे और वह रन आउट हो गए। वार्नर ने 6 गेंदों पर 6 रन बनाए। वार्नर के जाने के बाद मनीष पांडे बैटिंग के लिए आए और आते ही 5 ओवर करने आए उमेश यादव का स्वागत मनीष पांडे ने लगातार 2 चौके लगाकर किया। पहला चौका उन्होंने डीप मिड विकेट की ओर और दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर लगाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अब बेरेस्टो और मनीष पांडे की जोड़ी परेशानी खड़ा कर रही थी। आरसीबी को इस जोड़ी को तोड़ने की सख्त जरूरत थी। बेरेस्टो 8 ओवर के बाद 23 और मनीष पांडे 28 रन बनाकर खेल रहे थे। विराट कोहली के किसी भी गेंदबाज के लिए इस जोड़ी को रोकना मुश्किल होता दिखाई दे रहा था। 9वें ओवर में उमेश यादव की चौथी गेंद पर बेरेस्टो ने फाइन लेग की तरफ छक्का जड़ा। इसकी अगली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। हालांकि कोहली अपने टीम की मुस्कुराहट के साथ हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। 10 ओवर के खेल में हैदराबाद ने 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे और अब जीत के लिए 60 गेंदों पर 86 रन की जरूरत थी। लेकिन तभी मैच में ट्विस्ट आया जब चहल ने मनीष पांडे को कैच आउट करा दिया और आरसीबी को एक बार फिर मैच में ला दिया। लेकिन जॉनी ब्रेस्टो एक तरफ बेंगलोर के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और 43 गेंदों में ही 61 रन बना लिए थे। अब उन्हें रोकना कोहली के टीम के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन जिस विकेट की तलाश में आरसीबी काफी समय से थी, वो सफलता चहल ने 16 ओवर की दूसरी गेंद पर दिलाई जब चहल ने जॉनी ब्रेस्टो को बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ ही मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। ब्रेस्टो को बोल्ड करने के अगली गेंद पर चहल ने विजय शंकर को बोल्ड कर दिया। 2 ही गेंदों में चहल ने मैच का पासा पलट दिया। अब उनकी नजर हैट्रिक पर थी, पर चहल हैट्रिक नहीं ले पाए। उनकी हैट्रिक गेंद पर अभिषेक शर्मा ने संभल कर खेल कर सिंगल ले लिया।
लेकिन एक समय हार रही आरसीबी को चहल ने अपनी शानदार बॉलिंग से जीत के करीब पहुंचा दिया। अब हैदराबाद को जीत के लिए 16 गेंद में 23 रनों की जरूरत थी और उसके पास 4 विकेट बचे थे, लेकिन सैनी और दुबे ने किसी को जमने ही नहीं दिया और पूरी टीम को 153 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह रोमांचक मैच में कोहली ने डेविड वार्नर की टीम को पहले मैच में 10 रन से हरा दिया। इस मैच में जीत के हीरो रहे युवा बल्लेबाज देवदूत, डिविलियर्स और चहल, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके कोहली को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी के जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।